पिछली वीडियो जो मैंने शावर सेट के मुतालिक बनाई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि एक शावर सेट के अंदर क्या क्या आइटम होती है और शावर सेट की क्वालिटी को आप कैसे चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ के शावर सेट जो है, कौन कौन से मटेरियल के शावर सेट मार्केट में दस्तियाब है, तो उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और दो सवाल जो हैं वो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछे गए। नंबर एक ये कि शावर सेट की प्राइस के मुतालिक अपडेट कर दें, और नंबर दो ये कि शावर सेट कौन कौन सी किस्मों के होते हैं और उन किस्मों का इस्तेमाल, बेहतर इस्तेमाल जो है वो क्या होता है, यानी हमें गाइड कर दें कि हमें कौन सा शावर सेट लेना चाहिए। तो जहाँ तक प्राइस की बात है तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि मार्केट में हज़ारों कंपनियों के शावर सेट जो हैं वो दस्तियाब हैं और तरह तरह के मटेरियल्स हैं और उन कंपनियों के भी बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि जो है वो उन सारी कंपनियों के शावर सेट के रेट्स को एक वीडियो के अंदर या मुख्तलिफ वीडियो में बताया जाए। तो उसका हल मैंने ये निकाला है कि जो मशहूर कंपनी है, जैसे सुपर एशिया हो गई, फैसल हो गई, इसके अलावा वीआईपी मास्टर है। ओरिजिनल मास्टर की बात इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि ओरिजिनल मास्टर की कंपनी जो है वो आजकल बंद हुई हुई है, तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए वो बंद है और आगे उसके खुलने के चांसेस अभी तक नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो जिनके नाम लिए मैंने, सुपर एशिया, फैसल, तो इनके जितने भी मॉडल्स हैं उनकी इंशाल्लाह ताला एक एक शावर सेट की जो मैं रिव्यू भी करूँगा, उसमें क्या क्या जाते हैं, क्या क्या मटेरियल है, उसकी प्राइस भी आपको बताऊँगा, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको ये बताया जाए कि शावर सेट कितनी किस्मों के मार्केट के अंदर दस्तियाब है और कौन सी किस्म का जो शावर सेट है वो उसका क्या पर्पस है और आप कैसे ये सिलेक्ट करेंगे कि आपके लिए बेहतर शावर सेट कौन सा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, शावर सेट के मुतालिक मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असीफ गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइज यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि शावर सेट मेनली दो किस्म के मटेरियल के आते हैं, नंबर एक प्यूटर और नंबर दो ब्रास। प्यूटर हल्की किस्म होती है और वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो साल डेढ़ के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसमें सुराख होना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन जो ब्रास है, जिसे हम पीतल भी कहते हैं, वो सबसे बेहतरीन किस्म है और आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ब्रास का ही शावर सेट लें। अब अगर हम किस्मों की बात करें तो इस्तेमाल के लिहाज से शावर सेट तीन किस्मों के आते हैं, नंबर एक नॉब या स्पेंडल वाला शावर सेट, नंबर दो लीवर या कार्टेज वाला शावर सेट और नंबर तीन कंसील्ड शावर सेट। ये देखने में तो लीवर वाला शावर सेट होता है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं इसको आखिर में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो सबसे पहले शावर सेट की किस्म है, जिसे हम नॉब या स्पेंडल वाला शावर सेट कहते हैं, इसके जो हेड होते हैं इसके अंदर स्पेंडल डला होता है जो चूड़ी वाला होता है, जिसको आप खोलने या बंद करने के आपको दाएं या बाएं तरफ इसको मुकम्मल घुमाना पड़ता है। ये शावर सेट जो है वो मुकम्मल जो है वो दीवार से बाहर होता है, इसकी शावर बॉडी होती है जिसमें ठंडे और एक गर्म का पॉइंट होता है और इसके अलग अलग जो है वो नॉब लगी होती हैं और इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं। शावर सेट बाहर होता है, इसके बाद इसके ऊपर रॉड लगता है और ऊपर आप वॉल शावर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो मेनली डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर स्पेंडल लगा होता है। शावर सेट की जो दूसरी किस्म है वो है लीवर वाला शावर सेट, इसके अंदर स्पेंडल की जगह पर एक कार्ट्रिज लगी होती है और इसको लीवर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। डिफरेंस यह है कि नॉब वाले शावर सेट में ठंडे और गर्म पानी का जो पॉइंट है वो अलग अलग होता है, लेकिन लीवर वाले शावर सेट में पॉइंट जो है वो एक ही होता है, यानी अगर आप शावर बॉडी को देखें तो उसमें आपको सिंगल लीवर के साथ ठंडे और गर्म का कंट्रोल मिल जाता है। इसमें आप जब लीवर को ऊपर करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है, जब राइट साइड पे करते हैं तो ये ठंडा पानी देता है, लेफ्ट साइड पे करते हैं तो ये गर्म पानी देता है और सेंटर में रखते हैं तो ये मिक्स पानी देना शुरू हो जाता है। जो इसके अंदर ये भी नॉब वाले शावर सेट की तरह जो है वो मुकम्मल जो सिप सिस्टम है वो वॉल के बाहर होता है, लेकिन अगर इस्तेमाल के लिहाज से हम बात करें तो जो तीसरी किस्म है वो है कंसील्ड शावर सेट। कंसील्ड जो देखने में इसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो तो लीवर वाला ही होता है, इसमें कार्टर डली होती है, लेकिन जो इसकी जो इसके ऑपरेशनल जो इसकी शावर बॉडी होती है वो मुकम्मल दीवार के अंदर होती है, जो सिर्फ जो शावर प्लेट है, जो लीवर हेड होते हैं वो सिर्फ दीवार के बाहर लगे होते हैं।
यानी अगर हम इस्तेमाल के लिहाज से देखें तो जो नॉब और लीवर वाले नॉर्मल शावर सेट होते हैं वो दीवार से बाहर इंस्टॉल होते हैं। दीवार के अंदर आप जो पाइप डालते हैं तो पीवीसी की ही वो बॉडीज मिलती हैं जो दीवार के अंदर इंस्टॉल होती हैं, लेकिन उसके मुकाबले जो कंसील्ड शावर सेट होता है उसकी अपनी एक बॉडी आती है जो दीवार के अंदर इस्तेमाल होती है, और अपने रॉड होते हैं जो वॉल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दीवार से बाहर आपको सिर्फ और सिर्फ जो लीवर के जो पैनल्स हैं या लीवर की जो प्लेट्स हैं वही नजर आती हैं। अब अगर हम बात कर ले कि इन सब में बेहतरीन कौन सा है या कौन सी किस्म आपको खरीदनी चाहिए, तो बेसिकली तो सारी जो किस्में हैं वो आप कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। असल मसला जो आता है वो आता है पानी के प्रेशर के ऊपर। यानी आप कोई भी ऐसा शावर सेट लगाते हैं जिसमें अगर आप वाल शावर लगाते हैं और शावर हेड से ऊपर से जब पानी आप उसको लेंगे गिराएंगे और अगर वो प्रेशर से नहीं आता या आप किसी भी नल को खोलते हैं और उसमें पानी ठीक से नहीं आता, तो असल मसला यहाँ पर होता है। अब ये मसला इसलिए आता है जब आपका जो टैंकी है, जो पानी वाली टैंकी है छत के ऊपर रखी हुई, अगर उसका डिस्टेंस जो वॉल शावर है जिस वॉशरूम के अंदर आपने सिस्टम इंस्टॉल किया हो उससे कम है, तो फिर आपको प्रेशर का मसला आएगा। जो पानी का जो प्रेशर का मसला है वो जो नॉब वाले या स्पेंडल वाले शावर सेट होते हैं उनके अंदर नहीं आता, लेकिन जो लीवर वाले शावर सेट होते हैं चाहे वो कंसील्ड हो या ओपन हो, उन दोनों के अंदर पानी का प्रेशर का मसला आता है। तो उसका इलाज ये है कि या तो आप जो पाइप आपने दीवार के अंदर डाले हैं PPRC वाले उनकी जो डायमीटर है वो आप बढ़ा दीजिए, और या फिर दूसरा इलाज यह है कि आप जो टैंकी है उसकी हाइट आप बढ़ा दीजिए। कम से कम जो है वो 20 से 25 फुट जो है वो टैंकी का फासला लाजमी शावर सेट से होना चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके वॉल शावर के अंदर पानी का प्रेशर बने। और तीसरा हल ये है कि आप जो है वो प्रेशर पंप इंस्टॉल करवा लें। ऑटोमेटिक होते हैं, मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर पंप दस्तियाब हैं, लेकिन उसमें एक मसला ये आता है कि वो प्रेशर पंप जो है वो अक्सर औकात जल जाते हैं तो मसला आ जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपके घर में सिंगल स्टोरी है तो फिर आप कोशिश करें कि आप नॉब वाला स्पैंडल वाला शावर सेट लगाएं। अगर आपके घर में डबल स्टोरी है तो कोशिश करें कि जो नीचे वाला फ्लोर है वहां पर अगर आप लीवर वाला शावर सेट लगा सकते हैं, लीवर वाला प्लस कंसील्ड अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जो सेकंड फ्लोर होगा, थर्ड फ्लोर होगा, उस पर आप कोशिश करें कि फिर नॉब वाला ही शावर सेट लगाइए। अब हम बात कर लेते हैं कंसील्ड शावर सेट और ओपन शावर सेट की, कि इन दोनों में मतलब मसला क्या आता है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि अगर आप ओपन शावर सेट लगाते हैं और उसमें कोई मसला आ जाता है तो बाहर बाहर से ही वो रिपेयर हो जाता है, उसके लिए आपको दीवार को उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन केस अगर आपका कोई मसला आ जाता है कंसील्ड शावर सेट में, तो उसके लिए फिर आपको कभी कभार दीवार को भी छेड़ना पड़ जाता है जिससे आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि ये बताएं कि लीवर वाला शावर सेट जल्दी खराब होता है या नॉब वाला शावर सेट जल्दी खराब हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब बड़ा ही आसान है। उसकी देखिए, जो अगर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लीवर वाले शावर सेट को आप एक फिंगर के साथ ओपन कर लेते हैं और एक फिंगर के साथ बंद कर लेते हैं, उसके साथ कोई जोर आजमाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसके मुकाबले में जो नॉब वाला शावर सेट होता है उसको हम अक्सर औकात बंद करने के चक्कर में हमें काफी ज्यादा टर्न देने पड़ते हैं, और वो जब पानी को टाइट करने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा जब उसको प्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं, तो अक्सर औकात जो है वो जो स्पैंडल के ऊपर जो ग्रिप होती है हेड की वो लूज हो जाती है, क्रैक हो जाती है या स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से अब कभी तो स्पैंडल खराब हो जाता है, कभी हेड खराब हो जाता है। तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मटेरियल के लिहाज से कौन सा बेहतर है, तो मटेरियल तो चूंकि दोनों का ब्रास का होता है तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन अगर इस्तेमाल के लिहाज से आप कह रहे हैं कि किसका स्पैंडल या हेड ज्यादा खराब होता है, तो फिर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लीवर वाला शावर सेट लगाएं, क्योंकि उसमें खराबी के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। उम्मीद है कि शावर सेट के हवाले से ये छोटी सी वीडियो आपकी काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर मजीद इस बारे में कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, तो कमेंट में लाजमी हमारे साथ शेयर करें। अगर टाइल सैनिटरी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे नंबर और एड्रेस भी दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।